आप देख रहे हैं वसई सत्ता एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। नाला सुपारा अचोले रोड स्थित कपोल स्कूल में अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संगठन की ओर से आरोग्य शिविर का मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर वसई तालुका अध्यक्ष चेतन व उनके सहयोगियों ने क्या कुछ जानकारी दी, डालते हैं उस पर एक नजर। तो ये छावा संगठन की तरफ से क्या आयोजन किया आपने, क्या है छावा संगठन वो थोड़ा बताइए। देखिए, पहले तो सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री। हम लोग ये अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संगठन है। यहाँ के इस संगठन के संस्थापक माननीय श्री अन्ना साहेब जावले पाटिल जी है। तो ये संगठन वसई तालुका में ओपन हुए 2 महीने हो गए और इस संगठन का मेन मोटिव है सोशल वर्क और सामाजिक, लोगों को न्याय देके न्याय दिला के देना, ये हमारा काम है। तो आज क्या उपक्रम रखा आपने? आज हमारी संस्था की तरफ से मैं तालुका अध्यक्ष और हमारे 2 विभाग अध्यक्ष मनोज रॉय और शुभन अस्कर की तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम आरोग्य शिविर। इस आरोग्य शिविर में मुफ्त चश्मे का वाटप और आँख की जांच होगी और साथ ही साथ में विविध प्रकार के अलग अलग डॉक्टर जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसे कई प्रकार के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। छावा संगठन की तरफ से क्या आयोजन किया गया और क्या आइडिया आया कि आपको यह इस तरह का मेडिकल कैंप लगा रहे हैं? तो इसके साथ साथ हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम रोज फेस करते हैं इंसान, उसको हम समझ सकें और उसे हम किस तरह हमारी तरफ से यहाँ पर हम जो भी है मोस्टली हम सारे स्टूडेंट्स हैं और यही हमारा सबसे बड़ा पावर बोल सकते हैं, कि एक स्टूडेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन और एक स्टूडेंट टीम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें चेतन मचा हमारा जो तालुका अध्यक्ष है, हमारे उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, बाकी जो हमारे विभागीय अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं, तो सारे मतलब हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ आगे अच्छा कर सकें। बाकी आईएमएस से आप लोग जो है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भारत के भविष्य हैं आने वाले, तो आप इस तरह के आयोजन कर रहे हैं तो आपको फंडिंग आपके पेरेंट्स करते हैं, कौन फंड करता है, कैसे कलेक्शन करके ये सब काम करते हैं? इसका इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। ये फंडिंग का जो है हमसे कितना होता है, हम अपने तरफ से मांगते हैं, किसी से हम कुछ लेते नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पहले तो ये, और जितने हमें स्टूडेंट्स ही आपस में कितने कॉन्ट्रीब्यूट करके हम ये सेवा लोगों तक पहुँचाते हैं। आप कुछ जय श्री राय, जय महाराष्ट्र। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, चेतन ने स्टार्टअप से स्टार्ट किया है और उसने हम लोग को ऐसा लेकर गया है कि चलो आगे करके हम भी करते हैं, करके हम ऐसे स्कूल स्टूडेंट हैं और उसने हमको ऐसा बोला है कि करते हैं करके, तो उसको मैं इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन लोगों का सोच रहा है करके और आगे हम सारे लोगों को लेकर जा रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मैं चेतन मच्छा, अभिषेक सिंह सबको मतलब ऐसे अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो हमें भी इसमें ये ज्वाइन किए एंड डेफिनेटली हम इसे आगे लेकर जाएंगे। जय महाराष्ट्र, जय श्री राय। एक्चुअली मैं सबसे पहले इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ दैट हम कुछ भी कर रहे तो इनके थ्रू कर रहे हैं। एंड मैं हम क्या एक्चुअली मैं नहीं हम कोई भी अकेले कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, अगर हम एक ग्रुप बना के चल रहे हैं तो हम उस चीज़ में अचीवमेंट पा सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ जो लोग भीख मांगते हैं सो हम उनको हमेशा मंथली या ईयरली कोई भी खिलाएगा लेकिन लाइफ टाइम तक नहीं खिलाएगा। सो मैं इस ग्रुप के साथ ये कहना चाहती हूँ, जो उन लोगों को मैं जॉब प्रोवाइड करना चाहती हूँ पूरे ग्रुप के साथ, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं पैसे के इश्यूज़ के कारण, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हो पाता है,
सो मैं लोगों को पैसा नहीं देना चाहती हूँ एंड हेल्प नहीं करना चाहती, मैं उनको जॉब देना चाहती हूँ जो हम हो सकते हैं आगे चल के हो जाए एंड हमारे साथ अगर ये ग्रुप बनी रहे आगे चल के तो लोगों का हम अच्छा करेंगे। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।